सवाल जो है तो वो खेती के ताल पे है। खेती जो ठोके पे दी जाती है, तो एक हमारे भाई है, उनकी जो खेती है तकरीबन 23 एकड़ खेती है जो दो जी अलग अलग जगहों पर है, और वो खेती उन्होंने 2.5 लाख रुपया साल का जो है तो वो ठोके पर दी हुई है। तो इसकी ये जो नोयत है ये जायज है, जिसमें जो तो वो सिर्फ जरा ही काम होगा, जिसमें फसल लगाई जाएंगी, फसल के अलावा कुछ काम नहीं किया जाएगा सामने वाले की तरफ से। जी बिल्कुल, इस मसले को फिकह में किराउल अर्ज का कहा जाता है। किराउल अर्ज यानी जमीन को जी किराए पर देना, खास तौर से खेती बाड़ी वाली जमीन को, तो उसको किराए पर देना ये जायज है। उसकी एक जायज शक्ल ये है जो आपने जिक्र किया कि मैं इतना लाख रुपया सालाना लूंगा, उतना लाख रुपया वो जिसने लिया है खेत किराए पे वो दे देगा आपको। अब वो उसमें खेती करे ना करे, छोड़ के रखे, उसका मसला है। तो एक जायज शक्ल ये है। दूसरी जायज शक्ल उसकी ये है कि ये मैं खेत आपको दे रहा हूं किराए पर, मुझे इतना कुंटल गल्ला चाहिए। ये ताइन आप नहीं कर रहे हो कि इसमें जो पैदा होगा वही इतना कुंटल चाहिए। इतना कुंटल चाहिए कहां से दोगे आपका मसला है। मुझे इससे मतलब मसला नहीं है कि आप कहां से दोगे, मुझे इतना कुंटल गल्ला चाहिए, इसके बदले में मैं आपको ये खेत एक साल के लिए दूंगा। ये शक्ल भी जायज है। तीसरी शक्ल ये है जो कि नाजायज है कि आप ये कहो कि ये जमीन मैं आपको किराए पर दे रहा हूं और इस जमीन में से जो पैदा होगा उसमें मुझे 10 कुंटल चाहिए, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 10 कुंटल, जितना भी आप तय करो कि जो इसमें पैदा होगा इसकी पैदावार का इतना कुंटल मुझे चाहिए। ये जायज नहीं है क्योंकि आपको नहीं पता है कि उतना होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो इसलिए वो मजहूल है मुकम्मल तौर से। हो सकता है कुछ भी ना पैदा हो भाई, तो आपको कहां से देगा वो। तो अगर उसी खेती में से फिक्स किया जाता कि इसी खेती का मुझे इतना कुंटल चाहिए, तो ये जायज नहीं है। एक नाजायज शक्ल और है कि आप जो है, मैं आपको इतना बीघा खेत किराए पर दे रहा हूं, लेकिन वो जो फला वाला टुकड़ा है जमीन का, उसमें जो पैदा होगा वो मेरा, ये भी जायज नहीं है। अगर अगर आप खेत के किसी हिस्से को खास कर देते हो कि ये मेरा और वो बाकी आपका, ये भी जायज नहीं है। लिहाजा यहां पर एक बहुत अहम बात आप भी और सारे लोग जो इस मसले को सुन रहे हैं वो समझ लें कि किराउल अर्ज के सिलसिले में दो तरह की हदीसें आई हैं। एक हदीसें हैं जिनमें कहा गया है कि किराउल अर्ज जायज है, जमीन को, खेती वाली जमीन को किराए पर देना जायज है। दूसरी किस्म की हदीसों में किराउल अर्ज यानी खेती वाली जमीन को किराए पर देने से मना किया गया है। तो आप ये जान लें कि जो मना किया गया है उसकी दूसरी रिवायतों में वजाहत आ गई है कि मना इसलिए किया गया है, उससे मुराद ये है कि जमीन के किसी खास टुकड़े को आप कहो कि इसकी पैदावार मेरी है, मना से ये मुराद है, क्योंकि दूसरी हदीसों में उसकी वजाहत आ गई है। गालिबन राफी बिन खदीज की रिवायत है, उन्होंने वजाहत कर दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस किराए से मना किया गया जिसमें कहा जाए कि जमीन के फला टुकड़े का कि पैदावार मेरी बाकी आपका, ये मना है। और जिसमें मुतलक तौर से इजाजत की बात कही गई है उसमें आप चाहे पैसे से किराए पर दो, गल्ले से किराए पर दो, ये जायज है। तो ये इश्काल कई सारे लोगों को आता है कि भाई बाज हदीसों में तो मना किया गया है, बाज हदीसों में इजाजत दी गई है, कुछ लोग नासिख मनसूख तक चले जाते हैं, तो वो दुरुस्त नहीं है। दोनों हदीसों का माना अलग अलग है। जहां पर इजाजत दी गई है उसका माना अलग है, उसकी सूरतें अलग हैं। जहां पे मना किया गया है वो एक खास सूरत से मना किया गया है। शेख, इसमें एक सवाल और पैदा हो गया आपके जवाब में कि जैसे वो खास तौर से जो तो वो किसी ने अगर जो ठोके पर दिया और उसमें ये तो बात तय किया कि मुझे गेहूं चाहिए, उसके अलावा जो दूसरी चीज है उसमें से मैं कुछ नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ गेहूं चाहिए और इतना इतना चाहिए, तो ये चीज जायज हो सकती है? बिल्कुल जायज है और मेरे जवाब में ये चीज मौजूद है, लेकिन शायद मैं या तो सही से कह नहीं सका या आप समझ नहीं सके। देखिए, मैंने ये कहा कि आप जो है जमीन किराए पर दे रहे हो, सामने वाले से कह रहे हो मुझे 1 कुंटल गेहूं चाहिए, मुझे 1 कुंटल गेहूं चाहिए, कहां से चाहिए इसकी कोई कैद नहीं है। आप खरीद के लाके दोगे या कहीं से
अपने किसी जमीन से पैदा करके लाके दोगे या इसी जमीन से पैदा करके दोगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे एक क्विंटल गेहूं चाहिए, ये जायज है। नाजायज ये है कि आप कहो कि ये लोग खेती करो, इसमें जो पैदा होगा उसका एक क्विंटल मेरा बाकी आपका, ये जायज नहीं है।